cube placed at the center of the line joining the two exactly equal positive charge. अब देखो हमारे पास एक प्लस वाला है, ये प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है यहाँ पे, बराबर है. क्वेश्चन पढ़ो. ए चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज. द सिस्टम ऑफ चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू. तो ये देखो, ये प्लस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू, ये इनका मिड पॉइंट था. इसमें इसको मैंने एक छोटू चार्ज रखा स्मॉल क्यू, ये जो है वो स्मॉल क्यू की वैल्यू रख दिया ये. तो यहाँ पे कहा था ये तीनों चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना कैपिटल क्यू के टर्म में. अब देखो सिस्टम ऑफ किसी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पर नेट फोर्स जीरो. सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सभी पर नेट फोर्स जीरो. इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, बराबर है. तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये इस पर देखो, अब देखो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये तो फिक्स है ना कि ये प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू वाला इसको इधर रिपल करेगा. तो अगर ये बड़ा वाला इस बड़े वाले को इधर रिपल करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है उसको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके तो ये कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में आएगा भाई. इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस ये वाला जो क्यू है उसको माइनस ही होना पड़ेगा, तभी तो इधर अट्रैक्ट कर पाएगा. मतलब क्यू की वैल्यू माइनस ही होगी, ये हमने लॉजिकली निकाल लिया. इसके सही होने के चांस कभी भी नहीं बनते हैं, 50-50 चांस आपका सक्सेस हो गया. तो अब इस तभी तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगा. वैसे अगर नहीं पता है फिर भी कर सकते हो, बाद में सॉल्व कर लोगे, साइन अपने आप आ जाएगा. तो ये यहाँ से अब इस वाले पे नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब ये इस पे इसको इधर को, हाँ, बड़ा वाला इसको इधर खींचे और ये बड़ा वाला इसको इधर खींचे, बराबर है. तो चलो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों का डिस्टेंस 2x है, तो ये हो गया x. तो इस पे नेट फोर्स मैं जीरो कर दूँ, नेट फोर्स इस पे मैं ज़ीरो कर दूँ, तो नेट फोर्स ज़ीरो. देखो इस वाले पे बड़ा वाला फोर्स लगाएगा F1 और ये छोटा वाला फोर्स लगाया इधर F2, दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि के कैपिटल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर कूलम्स लॉ से इसके और इसके बीच का, दोनों के बड़े वाले के पोजिशन, ठीक है. और इस पे एक और फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स का स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ के ने के को, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को, क्यू ने क्यू को, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई 4 आ जाएगी. तो जो है जो कि माइनस आएगा, पहले ही डायरेक्शन में इधर ले लिया हूँ, सी ऑप्शन सही है. अगर आपको डायरेक्शन लेने में इस पे इक्वेशन, देखो इस पे इक्वेशन लिखोगे तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें चार्ज क्यू की वैल्यू मिलेगी नहीं यार, आया समझ में. अब मान लो तुम्हें साइन नहीं पता है, तो साइन नहीं पता तो ये तो पता ना, इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो F1 प्लस F2 का सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो इस पे आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाई 4. यहाँ पर मुझे साइन नहीं पता था, बट ये पता था कि इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो था, और यहाँ मैं लॉजिकली साइन निकाल लिया था.